सुसाइड को कोई बढ़ावा नहीं दे रही हूँ एंड मैं इस चीज़ स्ट्रेस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं लोगों. सो पीपल विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू, पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू, आपके बारे में बुरी बुरी बातें. इग्नोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड आंसर टू पीपल हु डोंट डिजर्व यू. खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, इट डजेंट मीन कि वो आपसे किसी भी लेवल में कम है. आई यूज़ टू गेट एंग्शियस, आई यूज़ टू थिंक अ लॉट अबाउट लिटिल लिटिल. हाय गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है एंड अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस बहुत कम दिखेंगी. जनरली मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह की चीज़ों को शेयर करना अपने चैनल पे. आई लव टू स्टिक टू माई ओन कॉन्टेंट जिसके बारे में ये चैनल है, बट कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एंड यू रियली नीड टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स हैपनिंग अराउंड एंड आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई एक इंसान वो आपकी वीडियो देख ले एंड आप जो बातें उनसे शेयर कर रहे हैं वो उससे थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए एंड उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो लाइफ है वो सुधर जाए एंड थोड़ी सी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में. सो गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है एंड पीपल आर रियली अफेक्टिंग देयर लाइव्स. वो इस हद तक इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि दे आर टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स एंड अपनी लाइफ के साथ बहुत ही गलत चीज़ें कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए. एंड आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. रिसेंटली 4-5 डेज पहले जो हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एंड ब्रिलियंट एक्टर में से थे एंड ही वॉज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, उनकी मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी. उन्होंने सुसाइड कर लिया एंड ही एंडेड हिज लाइफ. व्हेन फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट दिस न्यूज़ तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, आई वॉज लिटरली शॉक्ड. एक्चुअली हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो उस पर एक मैसेज उन्होंने पोस्ट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड. कोई वर्ड्स नहीं थे, आई वॉज टोटली स्पीचलेस. मैंने अपना मैसेज देखा व्हाट्सएप पे तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड. पहले तो मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं पक्का ये कुछ प्रैंक होगा, कुछ मीम होगा. आजकल जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये पक्का वही होगा. बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ. देन मैंने जो है टीवी ऑन किया और उस टाइम पर जो है बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी. उस टाइम पूरे सभी चैनल्स पे जो है यही न्यूज़ क्लैश हो रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है. एंड फिर मेरे व्हाट्सएप पे उनकी जो लास्ट टाइम की पिक्चर्स हैं वो आना शुरू हो गई और उसे तो बिल्कुल भी मैं देख नहीं पाई. एंड ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही थी न्यूज़ चैनल्स पे एंड उसके बाद पूरा दिन गाइस, पूरा दिन जो है मैं उनकी वीडियोस देखती रही, उनकी जो मूवीज़ के जो कुछ सॉन्ग्स हैं वो देखती रही. आई डोंट नो, इस न्यूज़ ने कहीं ना कहीं सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है. इसके पीछे क्या रीज़न है आई रियली हैव नो आइडिया. पहले भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बॉलीवुड में हुई हैं बट आई डोंट नो, इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है. के जाने के बाद बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो तो एकदम अच्छा कर रहे थे अपनी मूवीज़ में. हम एज ए व्यूअर, एज ए ऑडियंस ये सोच रहे हैं कि वो फाइनेंशियली काफ़ी साउंड थे, ही वॉज रियली डूइंग वेल इन हिज करियर, बहुत अच्छी मूवीज़ कर रहे थे, उनको ऐसी क्या परेशानी हो सकती है, उन्होंने क्यों साइड किया. उनके कुछ जो बॉलीवुड के फ्रेंड्स हैं वो अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह. हम ऑफकोर्स उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं, हमें जो भी स्क्रीन पे दिखाया जाता है या फिर जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर उनकी मूवीज़ के थ्रू या फिर उनकी जो वीडियोज़ हैं इन पोस्ट हैं उसके थ्रू ही हम उन्हें जानते हैं एंड और कहीं ना कहीं उनसे हमें बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शन फील हो रहा है उनके जाने के बाद. आई डोंट नो आप में से कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से, लेकिन जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या फिर बॉलीवुड में जो उनके को स्टार्स रहे हैं वो ऑफकोर्स उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते थे एंड बहुत सारी स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं कि वो काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में थे, लास्ट 6 मंथ से वो काउंसलिंग भी ले रहे थे एंड उनकी जो मेंटल स्टेट थी वो स्टेबल नहीं थी. तो अगर आप सबको इस चीज़ के बारे में पता था कि वो डिप्रेशन में थे, उनकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी, ये सारी चीज़ें आप अब जाके बोल रहे हैं, तो पहले आप सब लोग कहाँ थे, आपने क्यों उनकी हेल्प नहीं की. सारे उनके फ्रेंड्स हैं, को एक्टर्स हैं जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं एंड अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये पोस्ट के थ्रू ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें पता था पहले से ही कि वो लास्ट 6-7 मंथ से डिप्रेस थे, मेंटली स्टेबल नहीं थे, उनसे बहुत सारी उनकी जो मूवीज़ थी, 6-7 मूवीज़ उनको जो मिली थी वो छीन ली गई थी एंड बहुत बड़े बड़े बैनर्स की मूवी थी वो पूरी नहीं हो पाई, उनको निकाल दिया गया उसमें से और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे. तो अगर आप सबको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी तो आपने क्यों कुछ नहीं किया उनके लिए, क्यों उनकी हेल्प नहीं की, क्यों उनको अकेले छोड़ दिया,
जब उनको आपकी ज़रूरत थी, आपको उनका साथ देना चाहिए था, आप उनकी केयर करनी चाहिए थी, जब आपको सारी बातें पता थी कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे हैं और आपको उनकी केयर करनी चाहिए, तब आपने उनका साथ नहीं दिया और अब आप लोग अचानक जब वो इस दुनिया से चले गए हैं आप उनसे सिंपथी शो कर रहे हैं। कभी किसी डायरेक्टर का, कभी किसी प्रोड्यूसर का या फिर किसी बड़े स्टार का आप लोग नाम ले रहे हैं कि उनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा जो है स्टेप उठाया, ब्लेम गेम स्टार्ट हो चुकी है, बस एक दूसरे पे ब्लेम्स हो रहे हैं, नई कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं बॉलीवुड में उनकी डेथ के बाद। एंड इस टाइम पे भी कुछ लोग ऐसी ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिविटी शो करते हैं कि उनकी पोस्ट को पढ़ने के बाद ये लगता है कि कोई इस टाइम पे ऐसी बातें कैसे कर सकता है। जैसे मैंने बहुत सारी पोस्ट पढ़ी उनकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि बहुत ही बुजदिली वाला काम है, ही वॉज़ ए कवर्ड जिन्होंने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई कम्प्लीटली अग्री कि किसी को भी अपनी जान लेने का हक नहीं है, सुसाइड करना बहुत बहुत ही गलत काम है। उन्होंने अपनी जान ले ली, बहुत अच्छा काम किया, बहुत महान काम किया, नहीं, उन्होंने बहुत बहुत गलत काम किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही वॉज सच ए ब्रिलियंट एक्टर, वो जितने बढ़िया एक्टर थे उतने ही स्टडीज़ में भी इतने ज़्यादा अच्छे थे वो, और रैंक होल्डर थे इंजीनियर। आप कैसे किसी के बारे में इतनी इनसेंसिटिव बात कर सकते हैं यार, जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, वो चला गया, उसके बारे में आप इस तरह की बातें करें कि वो कवर्ड था, बुजदिल था। ऑफकोर्स आई एम नॉट डिफेंडिंग सुसाइड, अपनी जान लेने का हक आपको नहीं है, मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ, बट एटलीस्ट जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में बात बिल्कुल मत करिए। ऑफ कोर्स आप उसे पर्सनली नहीं जानते होंगे, आपने उनके बारे में जितना भी पढ़ा होगा या फिर उनको जितना देखा होगा आपको इतना तो पता होगा ना कि ही वॉज़ ए ब्रिलियंट एक्टर, वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़ दी, रैंक होल्डर थे वो इसमें, इतना ज़्यादा रिस्क लिया उन्होंने अपने सिर्फ एक्टिंग का जो पैशन था उसको फॉलो करने के लिए, टीवी सीरियल्स किए, फिर मूवीज़ की, मूवीज़ कुछ उनकी इनिशियली फ्लॉप भी हो गई बट स्टिल वो डटे रहे एंड इतनी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बाद में की। तो इतना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तो जो इंसान इतने ज़्यादा रिस्क ले रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और फिर भी वो अपनी एक जो उसकी मंजिल है उसको अचीव करना चाहता है, तो आप खुद सोचिए कि वो इंसान कभी ना कभी तो मेंटली स्टेबल रहा होगा, इमोशनली वो स्ट्रांग होगा, तभी वो इस मुकाम पर पहुंचा। ऐसे तो इस तरह से पॉसिबल नहीं, ये इतना ज़्यादा इजी नहीं है गाइस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड गट्स टू टेक वंस ओन लाइफ। आई एम कम्प्लीटली नॉट इन फेवर ऑफ सुसाइड और समथिंग लाइक दैट, मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि डोंट टॉक बैड अबाउट पीपल हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड डोंट पास स्टेटमेंट्स फॉर ए पर्सन अंटिल यू नो हिम पर्सनली। जब तक आप उन्हें अच्छे से जानते नहीं हैं, आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, वो इंसान इस दुनिया में है नहीं है, तो प्लीज़ इस तरह की जजमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट्स प्लीज़ पास मत करिए, प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट टू यू। बट जस्ट दैट कि वो एक बुरे फेज से गुजर रहे थे, खुद को संभाल नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए एंड उन्होंने एक बहुत ही रॉन्ग स्टेप उठा लिया और अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर ली, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यू नो हमारी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी एक हिपोक्रेटिक सोसाइटी है, जब कोई इंसान जिंदा होता है ना तो हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसके इमोशंस को फील नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, उल्टा हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे उसे ह्यूमिलेट करने का, उसे इग्नोर करने का, उसे कॉर्नर करने का, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे उसे टॉन्ट देने का। लेकिन जैसे ही वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो सारा का सारा प्यार उमड़ जाता है, सिंपथी देने लोग आ जाते हैं, अचानक से केयर करना शुरू कर देते हैं, ओ गॉड वो इंसान तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये था वो था, हमें उसकी केयर करनी चाहिए थी, तो सारा प्यार उनका उमड़ जाता है उसके जाने के बाद। एंड आजकल सोशल मीडिया का टाइम है तो लोग पोस्ट शेयर करना शुरू कर देते हैं, वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। भाई मैं आपसे पूछती हूँ कि आप सब लोग पहले कहाँ थे? पहले आपको जब केयर करनी चाहिए थी, उनकी परवाह करनी चाहिए थी, तब तो आपने नहीं की, तो इसके बाद करने का क्या फ़ायदा है? सो दिस इज़ द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं बात करूँ नेपोटिज्म की, जेलिसी की, किसी को कॉर्नर करने की या फिर गैंगअप होने की, तो आई डोंट थिंक सो ये सिर्फ बॉलीवुड में ही है, ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पर वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, थोड़ा भीड़ से अलग चलेंगे, गॉसिप्स में बिलीव नहीं करेंगे, किसी गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते होंगे, या बैक बाइटिंग में, गॉसिप्स में बिलीव नहीं करेंगे, वो आपको थोड़ा सा अलग दिखेंगे जस्ट बिकॉज कि वो इन सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं एंड अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते। सो पीपल विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू, पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू, आपके बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे, ये तो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है या फिर समझती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है,
चलो इसे इग्नोर करते हैं, चलो इसे बुली करते हैं, चलो देखते हैं कि कब तक ये ऐसे करेगा या करेगी। तो इस तरह की उनकी जो है हरकतें शुरू हो जाती हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि आई हैव ऑल्सो फेस्ड दीज थिंग्स इन माई लाइफ। एंड उस टाइम पर हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करो एंड इन फालतू बातों पर अपना दिमाग ख़राब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब ने इन सारी बात चीज़ों को जो है कभी ना कभी किसी टाइम पर फेस किया होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या पीपल डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क। वो हमेशा गुड बुक्स में रहना उनको अच्छा लगता है एंड बैक बाइटिंग करना, गॉसिप्स करना, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। बट वो इंसान जो इस तरह की बातों में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करेगा, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करेगा, या फिर थोड़ा सा रिजर्व होगा, अपने काम से काम रखेगा, वो आपको अक्सर अकेला खड़ा हुआ दिखेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो लोगों की नज़र में वो आ जाएगा, तो चुभना शुरू हो जाएगा, तो लोग उनके बारे में जजमेंट पास करेंगे, उनके बारे में बातें करें। बट अगर वो इन सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, इट डजन मीन कि वो आपसे किसी भी लेवल में कम है या फिर इमोशनली या फिजिकली वो आपसे वीक है। इफ ही इज़ नॉट रिएक्टिंग टू थिंग्स, इफ ही इज़ इग्नोरिंग द थिंग्स, इट डजन मीन कि वो कहीं से भी इमोशनली या फिजिकली वीक है। इट जस्ट दैट कि वो इन सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, टाइम ख़राब करना चाहता है। सो आपको इग्नोर करना ही सबसे बेटर ऑप्शन, बिकॉज इग्नोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड आंसर टू पीपल हु डोंट डिजर्व योर वर्ड। एंड उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि लास्ट 6-7 months से वो डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे क्योंकि उनका करियर जो है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था, उनको 6-7 movies से निकाल दिया गया था। एंड आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं लोगों को। अकॉर्डिंग टू सर्वे, ऑलमोस्ट 264 million पीपल हैव बीन अफेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। एंड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जहाँ पर हैप्पीनेस है वहाँ पर सैडनेस भी होगी, जहाँ पर विक्ट्री है पर फेलियर्स भी होंगे, सेटबैक्स होंगे। तो हम सबको इस चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा इंसान होगा इस पूरी दुनिया में जो पूरा एकदम कम्प्लीटली हैप्पी होगा, उसकी लाइफ एकदम स्मूथ होगी। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। छोड़ जाना ज़रूरी है कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। जब तक आपको डिप्रेशन के बारे में पता नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, तब तक आप उसे फाइट नहीं कर पाएंगे। हम सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। समटाइम्स वी फील लो, समटाइम्स वी फील इमेंसली हैप्पी, एक नॉर्मल चीज़ें हैं लाइफ की। लेकिन जब आपकी सैडनेस, आपकी जो उदासी होती है, वो ओवरपावर करती है आपकी हैप्पीनेस पे, आपको लगता है कि आगे बस जस्ट अंधेरा है, आपको कोई लाइट नज़र नहीं आती है, आप एकदम होपलेस फील करते हैं। एंड छोटे छोटे डिसीजंस लेने में, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, खाना पीना, सोना, पढ़ना, आप उससे नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे जो आपकी स्ट्रेस होती है वो कब डिप्रेशन में चेंज हो जाती है, आपको समझ में ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता। सो डिप्रेशन एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है जिसके फिजिकल और मेंटल दोनों सिम्टम्स होते हैं। एंड जब आपको वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो डेली लाइफ है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पर वो हैम्पर करना शुरू कर देते हैं। सो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, उनको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको लगे कि इस तरह के सिम्टम्स और साइंस अगर आप फील करते हैं तो इमीडिएटली टेक हेल्प ऑफ ए डॉक्टर। आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, ट्रीटमेंट लीजिए, आप काउंसलिंग ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आपको राइट टाइम पे राइट मेडिकेशन की, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह से आपको फीवर होता है, आपको बुखार होता है, या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह से डिप्रेशन का भी इलाज है। आपको डिप्रेशन के बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायूसी फील हो रही है, सैडनेस फील हो रही है, छोटी से छोटी बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंड किसी भी बात को लेकर आप में कोई होप नहीं है, आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस हो रही है, आप अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ में वो आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, इंसोम्निया के शिकार हो गए हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, कोई क्रेविंग नहीं हो रही है आपको खाने की, किसी गिल्ट में आप, फिर बॉडी एक्स हैं आपको, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, छोटी से छोटी बात आपको हर्ट कर, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, आपको बस ये लग रहा है कि रूम बंद करके आप पूरा दिन रोते रहें, या फिर आप किसी भी बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि लाइफ अब बस ख़त्म हो चुकी है और अब बस कुछ नहीं बचा है एंड हमें अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहिए, तो गाइज इट्स अ वार्निंग साइन। फॉर आप इनमें से कोई भी चीज़ फील कर रहे हैं, कोई भी ऐसा साइन या सिम्टम आपको लगता है कि आप में है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको
बातें अपनी शेयर करनी है, आपको लोगों से बात करनी है, चुप नहीं रहना है, आपको विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो विदाउट एनी जजमेंट आपको सुने, आपसे प्यार करें, आपकी केयर करें और आपको समझें। तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप उनसे अपनी बातें शेयर करिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, इसके बारे में प्लीज़ भूल जाइए एकदम से, और अपनी बातें शेयर करिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए। कुछ आपको बॉदर कर रहा है, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो उनसे प्लीज़ शेयर करिए। रीच आउट टू पीपल हु एक्चुअली लिसन टू यू अटेंटिवली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी जजमेंट, एंड ऐसे लोगों से बात करिए जो ट्रस्टवर्दी हों एंड जिनसे बात करके आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि आपने उन पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया है, एंड आपकी बात को वो समझेंगे। सो सही लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा। हमारी सोसाइटी एक्चुअली महान है, किसी के बारे में भी कोई भी जजमेंट पास कर देना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, नो स्पोक करना, इनको बहुत अच्छे से आता है, इनको बहुत एक्चुअली मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि उस इंसान पे इस चीज़ का क्या असर हो रहा होगा, उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही होगी। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, किसी मुकाम पर पहुँच गया है, कुछ उसने अच्छा अचीव कर लिया है, उससे जेलसी करना शुरू कि भाई वो हमसे आगे कैसे निकल गया, तो इसमें जेलसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उल्टा उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, लेसन ले सकते हैं कि अगर उसने ऐसा काम किया है तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, तो आप उनसे ये सीख ले सकते हैं, बट नहीं ऐसे। एंड आई थिंक किसी से जेलस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, आप उसे पॉलिश करिए, उसे ग्रूम करिए, एंड जेलस करने से को कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आप में टैलेंट है, जो आप में स्किल्स हैं। तो सो जेलस करना, ह्यूमिलेट करना किसी को प्लीज़ छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप इससे अपनी लाइफ पर इफेक्ट कर रहे हैं एंड उस दूसरे पर्सन की भी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़। एंड ये तो आप मान के चलिए कि अगर आप भीड़ से अलग चलेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, आपको उनसे फाइट करना पड़ेगा, उसके बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके साथ 10 लोग हैं तो आपकी अचीवमेंट पे 5 ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए खुश होंगे, आपके लिए उनके दिल से ब्लेसिंग्स निकलेगी, बट 5 लोग वो भी होंगे जो बहुत ज़्यादा जलेंगे आपसे, आपकी अचीवमेंट पे खुश नहीं होंगे, उल्टा आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे। ये लोग कोई बाहर से नहीं होंगे, ये लोग अपने ही होंगे, सो कॉल्ड अपने लोग, बात कड़वी है पर सच्ची है। सो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, एंड ऐसे लोगों को अपने लाइफ में जगह बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से आपकी लाइफ ज़्यादा अफेक्ट होगी। सो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इससे उनको फ़र्क पड़ना चाहिए जो ऐसे काम कर रहा है। आई नो ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब ऑल द थिंग्स, बट विद टाइम अगर आप कोशिश करेंगे तो ये सच में पॉसिबल हो जाएगा। पहले मैं भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, छोटी छोटी बातें मुझे हर्ट करती थी, बट विद टाइम, एज एंड एक्सपीरियंस, मैंने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, एंड मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, एंड हम चीज़ों को इग्नोर करना जब सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करती हैं हमें लाइफ की बैटल्स को फाइट करने। यू ऑल नो कि सोशल मीडिया का टाइम है, हम सब लोग फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सारी ऐप्स को फॉलो करते हैं, चलाते हैं, एंड किसी के फेसबुक पे 4000 फ्रेंड्स हैं तो किसी के इंस्टा, ट्विटर पे 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको लाइफ में कभी इनमें से किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो कितने लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, कितने लोग आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे? तो आंसर इज वेरी लेस, क्योंकि गाइज 80% लोग इनमें से ऐसे होते हैं, वो हमारे साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे वेयर अबाउट्स उनको जानने होते हैं थ्रू आर पोस्ट, वीडियोस और पिक्चर्स के थ्रू, उनको ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनको अपनी लाइफ में कम और हमारी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो 80% से 10-15% ही ऐसे लोग होंगे जो जेन्युइनली आपकी केयर करेंगे, जो आपसे प्यार करेंगे, आपकी अचीवमेंट पे खुश होंगे, आपसे बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। सो ऐसे लोगों को अपने कॉन्टैक्ट में, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अपने सर्कल को लिमिटेड कर लो, क्वालिटी ऑलवेज मैटर, क्वांटिटी डजंट। आपके सर्कल में 4 ऐसे फ्रेंड्स होंगे, 6-7 कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनको अपने कॉन्टैक्ट में रखिए, उनसे बात करिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिए। कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परटर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, आप स्ट्रेस में हैं किसी चीज़ को लेकर, आप उनसे बात, यही वो
लोग होंगे जो विदाउट एनी जजमेंट आपकी बात सुनेंगे, आपकी केयर करेंगे और आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे. सो प्लीज़ उनसे बात करें. आई नो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको अपनी बातें दूसरों से शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, बट इन दिस केस यू रियली नीड टू टॉक. आपको अगर बातें करना पसंद नहीं है, शेयर करना पसंद नहीं है चीज़ें, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जितनी भी भड़ास है, जितनी भी आपके अंदर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, आप एक पेपर लीजिए, उस पर अपनी सारी चीज़ें लिखिए, उसे उसके बाद फाड़ दो, फ्लश आउट कर दो, जो करना है करो, बट आपको अपनी भड़ास निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको अपने हार्ट को खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें होंगी जो आपको बार बार तंग करेंगी, हॉन्ट करेंगी, आपको परेशान करेंगी. तो इन सारी चीज़ों को जो है निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि रोने से आपका मन हल्का होता है, तो प्लीज़ रो लो यार, थोड़ी देर अच्छे से रो लो, 5-10 मिनट 15 मिनट अच्छे से रो लो, भड़ास निकाल लो, बट आपको अपने अंदर जो है उसको खाली करना है. सो रोने से आपका जो मन है बहुत ज़्यादा आपको हल्का फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि किसी भी वे में कोई भी मीडियम होना चाहिए आपकी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, बट आपको किसी तरह से उसका वेंट आउट आपको देखना है, उसको निकालना है, क्योंकि इसको आपकी जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको स्ट्रेस देती हैं, उनको अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कब उसके चक्रव्यूह में जो है फंसते जाएंगे और एंड कब आपकी जो स्ट्रेस है वो डिप्रेशन में चेंज हो जाएगी एंड आपको समझ में ही नहीं आएगा. तो प्लीज़ इस पे गौर कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए एंड निकालिए जो भी आपके दिल में है उसे जस्ट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विद मी, बट मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा फेज़, एक ऐसा स्टेज ज़रूर आता है जब हमें ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, मेंटली इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपनी जो नॉर्मल डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पाते हैं, मतलब लाइफ एकदम मेस्ड अप हमें फील होती है, सिचुएशंस को हैंडल करना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है. तो आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं एंड ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में भी ऐसा पास्ट में हुआ होगा, जिसके बारे में डेफिनेटली आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज आई फील दीज थिंग्स मेक मी अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी. सो मैं अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ ना ही डिस्कस करना चाहती हूँ, ना ही उसको वापस लाना चाहती हूँ जो मुझे थोड़ी सी भी सैडनेस दे एंड मुझे अनकंफर्टेबल फील करें, बिकॉज़ मैं अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही जो है इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ. डीक्लटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस एंड जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो, तो टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स. आपका किसी से भी मन कर रहा है बात करने का, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से उसे बात करिए एंड बिकॉज दे विल बी द बेटर person to solve your problems. Or I remember when I was going through a little bad phase in my life, I used to get anxious, I used to think a lot about little things. मुझे छोटी छोटी problems को face करने में डर लगता था और मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी चीज़ों के बारे में and उस time पर थोड़ा सा मैं introvert भी थी, ज़्यादा बातें share भी नहीं करती थी किसी के साथ. So my friends, my family members, my parents used to call me, क्योंकि उस time थोड़ा मैं घर से दूर थी तो मुझसे बार बार पूछते थे how I am feeling राइट नाउ. बार बार वो जो है पूछते थे, मेरी बहुत ज़्यादा केयर की उन्होंने उस टाइम पर एंड उन्होंने मुझे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है. दे रियली हेल्प मी टू मूव ऑन एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की इस सिचुएशन से मुझे फाइट करने में और निकलने में. तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कह रही हूँ कि हमें अपनी लाइफ में कोई एक स्टेज, एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आता है जब हमें फ़ाइट करना पड़ता है, उससे हमें निकलना पड़ता है. अगर हमने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लिया, हमने किसी की हेल्प ले ली उससे निकलने में, तो हम जाएंगे, हम अपनी लाइफ को दोबारा अच्छे तरीके से जी पाएंगे. बट अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. उसका अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी कुछ चीज़ों से उभर जाते हैं, निकल जाते हैं, फाइट करते हैं उससे. कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी इस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं, कभी भी उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं, उन्हें कोई वे आउट नज़र नहीं आता है एंड अपनी लाइफ को वो स्पॉइल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. प्लीज़ आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा मत करिए गाइस. अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं एंड ऑल्सो यू आर सेटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल्स फॉर द सोसाइटी, क्योंकि आपसे इन्फ्लुएंस होकर कुछ लोग जो है रॉन्ग स्टेप्स उठा रहे हैं, अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं. सो गाइज ऐसा मत करिए, बिकॉज सुसाइड इज नॉट द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स. यू हैव टू डील विद द सिचुएशंस, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कोप अप विद द सिचुएशन.
सिचुएशंस, अगर प्लीज बी स्ट्रांग एंड फाइट विद द सिचुएशंस, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी डेडिकेशन स्ट्रांग है, तो आप बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। जितना हो सके अपना ध्यान को डाइवर्ट करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व करो खुद को, ट्राई टू फॉलो योर हॉबीज, ट्राई टू फॉलो योर पैशन, कुछ ऐसी चीज़ें करो विच रियली मेक यू हैप्पी, एंड खुद को जितना हो सके बिजी रखो फिजूल की चीज़ों में, इधर उधर की चीज़ों में अपना ध्यान जो है प्लीज़ मत लगाइए, क्योंकि लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए एंड प्लीज़ खुद को बिज़ी रखिए अच्छी चीज़ों में जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, और प्लीज़ खुद को बिज़ी रखना इस टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा। क्यों आपको किसी इंसान की, किसी रीज़न की ज़रूरत है खुश रहने के लिए? आपकी जो हैप्पीनेस है वो किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं होनी चाहिए, आपको खुश रहने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अकेले हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद को इन्वॉल्व करिए अच्छी चीज़ों में, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, पैशन है, उसको फॉलो करिए, इन्वॉल्व करिए, आप कभी भी डिप्रेस फील नहीं करेंगे, बोर फील नहीं करेंगे। जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, केयर करते हैं अपनी, उसी तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचिए, उसका ध्यान दीजिए, उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। आपको कभी भी किसी भी फेस पे ऐसा लगता है आप को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, प्लीज़ कीजिए, काउंसलर की हेल्प लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास जाइए, बातें शेयर करिए, एंड प्लीज़ कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाइए जिससे आपकी फैमिली को, आपके लव वंस को हर्ट हो। आप ऐसा रॉन्ग स्टेप लेके खुद तो चले जाते हैं, खुद तो अपनी लाइफ आप स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, लेकिन पीछे जो लोग रह जाते हैं उन्हें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। यू लीव देम डिसहार्टन, डिवास्टेटेड, सो प्लीज़ ऐसा मत करिए, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करिए, बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद द सिचुएशंस, प्लीज़।